थोड़ी सी बारिश में सारा सेट बदल। राजनीतिक लोगों के कोई विषय होते हैं? आज कैथल में हमने कैथल में चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस रखा और आज उसी सिलसिले में हमारे कार्यकर्ताओं की जिले की बैठक थी। हमने अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है कि कैथल में सम्मान दिवस हो रहा है तो यहाँ के कार्यकर्ता की बड़ी जिम्मेवारी है। जहाँ वो सारी रैली की जिम्मेवारी उनके कंधों पे है, वहीं गांव-गांव में जाकर के एक एक व्यक्ति को निमंत्रण देना भी इन्हीं की जिम्मेवारी है। और मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि कैथल की बहुत बड़ी हाजिरी होगी। हजारों लोग कैथल जिले से चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आएंगे। आपको भी निमंत्रण देने आया हूं। अगर आपको नहीं निमंत्रण दूंगा तो फिर मेरा निमंत्रण अधूरा रह जाएगा। हम तो चौधरी देवीलाल के नाम पर जो है ना जी बिना निमंत्रण के आ जाने जी, वो नाम ही इतना बड़ा है। मेरा काम निमंत्रण देना आपको। आप भी सारे के सारे साथी जो है उसकी अच्छी कवरेज करना, वो सारी चीज दिखाना लोगों को जो हकीकत में हो, ताकि आपके लोगों का विश्वास बढ़े। इंडिया ग्रुप में से निमंत्रण किस किस को दिया? कौन कौन से बड़े चेहरे? बड़े नेता आने की उम्मीद है? मैं पिछले 4-5 दिन से इसी काम में लग रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ यही पूछते हैं और कुछ सवाल ही नहीं है। खड़गे और सोनिया को सारे के सारे आएंगे। जो पिछली दफा आए थे फतेहाबाद में वो सब नेता आएंगे। उसमें हमने 2 नए नाम ऐड किए। नीतीश जी तो आएंगे, लालू जी आएंगे, शरद यादव पवार जी आएंगे, उद्धव ठाकरे आएंगे, ममता जी का राज्यसभा का मेंबर वो आएगा, सीताराम येचुरी आएंगे, सतपाल मलिक आएंगे, हनुमान बेणीवाल आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे और फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे, अखिलेश यादव जी आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, उसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आएंगे और शेर सिंह राणा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है RLD के, वो भी आएंगे। और हमने सोनिया जी को भी निमंत्रण दिया। राहुल को जी? एक घर में एक को निमंत्रण हुआ करता है, एक पार्टी में एक व्यक्ति को निमंत्रण होता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने निमंत्रण दिया है, वही सोनिया जी क्योंकि उनकी सबसे सीनियर लीडर है उनको दिया है। अभय जी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने सम्मान दिवस रैली पर गठबंधन के विपक्ष को इकट्ठा होने की बात की, लगता है कि इंडिया जब इकट्ठा हुआ तो कहीं ना कहीं मोर लगी उस बात पर? उन्हीं की वजह से इकट्ठा हुआ है। ये बात कल KC त्यागी जी चंडीगढ़ में आए थे, उन्होंने कंफर्म करी कि विपक्ष को एक करने में पहल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी फतेहाबाद, और उन्होंने नीतीश जी की जिम्मेवारी लगाई, नीतीश जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। भाजपा तो इंडिया वर्ड को खत्म ही करना चाहती है। खुद खत्म हो जाएंगे जो इंडिया का नाम खत्म करना चाहेंगे, मान के चलो। सर, इनेलो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है और कांग्रेस भी इसका हिस्सा है, तो दोनों एक साथ लोग? आपकी हर बात का जवाब देना हमारी जिम्मेवारी नहीं, ये फजूल के सवाल है। अभी सिर्फ आपको 25 तारीख का निमंत्रण, आप 25 को आए, ठीक है? अभय जी, 2024 में इलेक्शन है तो सम्मान दिवस रैली है, वो किस तरह से जो है जो भाजपा को भार कर पाएगी, इस तरह का कुछ आप? जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, स्वार्थ की राजनीति को छोड़ेंगे, तो हर हालत में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। भाजपा को देश में 37% वोट मिला है, 63% वोट इसके खिलाफ गया है। अगर एक के खिलाफ एक कैंडिडेट होगा तो हर हालत में बीजेपी सत्ता से बाहर है, कोई नहीं होता। सर, हरियाणा सरकार ने काफी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया, लेकिन वो जनता के लिए परेशानी सारी ऑनलाइन कर दी, लेकिन ये पानी की निकासी ऑनलाइन नहीं हुई इनसे। जो शहरों में पानी भर जाता है आपके, नहीं तो क्या इंडिया गठबंधन में जितने भी मतलब हिस्सेदार हैं, तो क्या हरियाणा में ऐसा हो सकता है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं चीजों की,
ना आपको इन चीजों पे ज्यादा लंबा चौड़ा पूछ। जनता तो चिंता करती है ना जी, हम तो जनता करेगी, जनता से बात कर लेगी। अभय जी 25 तारीख को राजस्थान में भी सम्मान दिवस रैली की जा रही है, हरियाणा से लोग लगता है वहाँ पहुंचेंगे उसी तारीख को यहाँ पर। भाई कोई जाएगा तो मैं किसी को ये थोड़े कह सकता हूँ ना जाओ, आपने जाना तो आप भी जाओ, अगर आपने जाना है उसमें तो मैं आपको भी नहीं कह सकता कि मैं जाऊँ। अभय जी परिवर्तन जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। अभय जी परिवर्तन यात्रा की जितनी समस्याएं आपसे सामने आई, कौन कौन सी मुख्य समस्याएं थी जलोदों ने बताई आप तो? इस प्रदेश में हर रोज एक नई समस्या पैदा होती है, हमारा मुख्यमंत्री हर रोज एक नई बात करता है, मुख्यमंत्री की कई बात अपने आप में भी एक समस्या है, इसलिए लोग परेशान है, इस सरकार को बदलना चाहते हैं। आपका धन्यवाद, आप आए सब साथी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वहाँ पे भी सारे पहुंचे। धन्यवाद।